ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस थाना ऊना के तहत गांव टक्का में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए ऊना अस्पताल पहुंचाया गया है। टक्का में अचानक कार पुल से टकरा गई। कयास लगाया जा रहा है कि हादसा ओवर स्पीड के कारण हुआ है। पुलिस थाना ऊना के तहत गांव टक्का में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए ऊना अस्पताल पहुंचाया गया। टक्का में अचानक कार पुल से टकरा गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि हादसा ओवर स्पीड के कारण हुआ है। मृतकों की पहचान नीरज 23 वर्षीय पुत्र योगराज निवासी नारीब, भूपिंदर सिंह 24 वर्षीय पुत्र फकीर चंद निवासी नारी ऊना के रूप में हुई है, जबकि कार में सवार मुनीश पुत्र मोहनलाल निवासी नारी भी हादसे में घायल हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक हादसे के असल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार नारी निवासी नीरज अपने साथियों के साथ रात करीब 1 बजे कार संख्या HP72C0206 में सवार होकर जा रहे थे कि टक्का पहुंचने पर कार अनियंत्रित होकर पुल के साथ जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार चालक नीरज व भूपिंदर की हादसे के तुरंत बाद मौत हो गई, जबकि मनीष को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। SP दिवाकर शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घायल के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।